बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का नाम आते ही कंट्रोवर्सी की याद आना तो ऑब्वियस है। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, कंगना हर जगह कंट्रोवर्सीज में ही रहती हैं। अभी कंगना की फिल्म इमरजेंसी न्यूज में है और जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रही है, फिल्म के अराउंड कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती जा रही हैं। इमरजेंसी एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें कंगना इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं। सिख कम्युनिटी ने फिल्म की रिलीज रोकने की डिमांड की है और अभी तक फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसीलिए फिल्म अपने शेड्यूल डेट 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। और ये पहली बार नहीं है जब कंगना की कोई फिल्म कंट्रोवर्सी में घिरी हो। उनकी मूवीज तो अक्सर विवादों का हिस्सा रहती हैं, इसलिए कंगना का एटीट्यूड है अब तो आदत सी हो गई है। चलो अब आपको बताते हैं कंगना से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज। याद है टीकू वेट शेरू, नवाज और अवनीत कौर के किस सीन पर काफी बवाल हुआ था, क्योंकि दोनों में 27 साल का फर्क है। अब अवनीत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, नवाज भी राजी था, तो फिर सब क्यों परेशान हुए? फिर 2022 में रिलीज हुई धाकड़ एक एक्शन फिल्म जिसे ऑडियंस ने नकार दिया, पर कंगना ठहरी कंगना। उनका कहना था कि फिल्म के अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी की गई है। फिर आई तेजस, जिसमें कंगना एयरफोर्स पायलट के रोल में थी, पर फिल्म रिलीज के बाद फ्लॉप हो गई और ऊपर से एक पॉलिटिशियन ने कंगना को कोर्ट केस की धमकी भी दी। लेकिन कंगना को किस बात का डर, वो तो वही करती हैं जो उन्हें सही लगता है। और कंगना का नाम हो और महेश भट्ट का ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? रंगोली, कंगना की बहन ने खुलासा किया था कि महेश भट्ट ने वो लम्हे के प्रीव्यू के दौरान कंगना पर चप्पल फेंकी थी जब कंगना सिर्फ 19 साल की थी। ये तब हुआ जब सोनी राजदान ने कहा कि कंगना आलिया भट्ट को लेकर बातें करती हैं, जबकि महेश भट्ट ने उन्हें लॉन्च किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मणिकर्णिका भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाई। इस फिल्म पर भी हिस्टोरिकल फैक्ट से छेड़छाड़ के एलिगेशंस लगे। और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स है, कंगना की कॉन्ट्रोवर्सीज की लिस्ट तो लंबी है। और कंगना, वेल शी डजंट केयर, शी ऑलवेज रेडी विद अ मुंह तोड़ जवाब।